हाय गाइज, मैं हूँ जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आपने आप किसी भी राज्य से हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपने हाई कोर्ट या जिला कोर्ट का केस स्टेटस अपने मोबाइल पे जान सकते हैं। जी हाँ, जिला कोर्ट का और हाई कोर्ट दोनों कोर्ट का आप केस का स्टेटस अपने मोबाइल पर जान सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए कैसे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले बार आए तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपको ये एप्लीकेशन ई कोर्ट सर्विस इंस्टॉल कर लेना है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली से ओपन करना है। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, CNR नंबर से अपने केस का स्टेटस सर्च कर सकते हैं और इस सर्च आइकन पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पर केस स्टेटस अपने केस का स्टेटस जानने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए केस स्टेटस क्लिक करेंगे। यहाँ पे केस स्टेटस क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको करना अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं या अपने हाईकोर्ट का जानना, तो हाईकोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है, देख पा रहे। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए केस नंबर, सबसे पहला है केस नंबर, तो आप यहाँ केस नंबर से अपने केस को सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पार्टी, मतलब जिसके नाम पे केस है, जो क्या है उसके नाम से आप यहाँ पे उसकी केस की हिस्ट्री देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फीलिंग नंबर, यहाँ से आप फीलिंग नंबर से आप केस का स्टेटस जान सकते हो। उसके बाद यहाँ FIR नंबर से, यहाँ पे एडवोकेट के नाम से भी आप वकील के नाम से भी अपने केस का स्टेटस को जान सकते हो और यहाँ केस टाइप वगैरह बहुत सारे ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे हम आप केस नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जिला में जितने भी कोर्ट होंगे, केस टाइप, केस नंबर और ईयर दे के गो करेंगे तो आपके सामने आपका केस का डिटेल आ जाएगा। इसी तरह आप केस नंबर, चलिए मैं एडवोकेट से सर्च करके आपको एक दिखाता हूँ। एडवोकेट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आपके जिले में जितने भी कोर्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे। वो कोर्ट को सेलेक्ट करें जिस कोर्ट में आपका केस है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है सर्च बाय, आप यहाँ पे देख सकते एडवोकेट के नेम से या बार कोड से या डेट केस लिस्ट से आप सर्च कर सकते हो। जिससे सर्च करना है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं एडवोकेट नेम सर्च कर सकते और यहाँ पर एडवोकेट का नेम जो है वो हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट का नाम मैंने इंटर कर दिया। एडवोकेट का नाम इंटर कर, यहाँ पे केस का स्टेटस कौन सा केस आप देखना चाहते हैं, पेंडिंग वाला या जो केस डिस्पोज हो गया है वो केस, या आप दोनों देखना चाहते हैं तो आप बोथ पे क्लिक कर देंगे। अगर दोनों आप देखना चाहते हैं तो हम बोथ पे क्लिक करके और यहाँ पर सर्च गो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारे सामने रिजल्ट आ चुके हैं। इस अभी जो है ये इस वकील के पास 19 केस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है 19 पे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सारे केस के लिस्ट आ चुके हैं। अब केस नंबर से सर्च कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक नंबर दिखाता था, देखिए इनका जो केस नंबर है कुछ ये है, इनका केस नंबर और पार्टी का नाम जो ये है और वो किस पे क्या नीचे में दिया गया है, ठीक है। एडवोकेट का नाम क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, एडवोकेट का नाम, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर पे क्लिक करेंगे, स्टेटस देखने के लिए केस नंबर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केस की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे केस टाइप है, फिलिंग डेट है, फिलिंग नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, CNR नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पूरी डेट ही कब केस हुआ था, ठीक है, और इसका QR कोड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस केस का आपको QR कोड यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने एडवोकेट का ना, अगले जो एडवोकेट ये तो आपका एडवोकेट, उसका जो मतलब वकील है एडवोकेट, उसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल मिल रही और FIR डिटेल यहाँ पे आप निकाल सकते हैं।
कौन सा पुलिस स्टेशन में केस हुआ था, FIR नंबर, साल क्या है, ठीक है, ये सारा चीज़, हिस्ट्री ऑफ केस, कब केस में क्या हुआ, किस डेट को हुआ, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे विस्तार से मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये केस आपका है तो आप चाहते हैं हमारे मोबाइल में ये केस सेव हो जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेवेड केस, इस पर क्लिक करके आप अपने केस को सेव कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने कोई भी केस का आप चेक कर पाएंगे स्टेटस, जब आप केस अपना सेव कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है माई केस, इस पर क्लिक करके आपका केस जो रहेगा, जो आपने सेव किया है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक केस शो कर रहा है, ये देखिए एक केस बता रहा है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करना, पूरा डेट यहाँ पर मिल जाएगा, ये इनकी केस की हिस्ट्री आप निकाल लिए हैं। यहाँ पे केस लिस्ट भी है, अपने कोर्ट के नाम, कोर्ट का नाम से आप सर्च कर सकते हो पूरे डेट के यहाँ पे, ठीक है, जिस कोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस कोर्ट का मैं नाम मैंने सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो भी कोर्ट है, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करें किस डेट का आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिले, एक सिविल एक क्रिमिनल, कैसा केस आपका है, सिविल केस या क्रिमिनल केस, सिविल केस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो उस डेट का केस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, या क्रिमिनल है तो क्रिमिनल केस जैसा केस वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप इंटर करेंगे जैसा केस आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा सामने आ चुका है क्रिमिनल केस, मैंने इंटर किया तो यहाँ पे लिस्ट आ चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी केस के लिस्ट अपने मोबाइल से किसी का भी जान सकते हो या स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे CNR नंबर, केस स्टेटस, केस लिस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे भी मिल रहे हैं। मान लीजिए केस का स्टेटस है, हम इसको किसी के साथ साझा करना चाहते, शेयर करना चाहते, तो ऊपर में 3 लाइन आपको मिला, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों जो आप करना चाहते वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मिल रहा है ईमेल, सेव टू ड्राइव या डिस्क ड्राइव, मोबाइल में करना है तो डिस्क ड्राइव या ईमेल में करना है, या सेव आप ड्राइव में करना है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने भेज सकते हैं किसी को भी अपने केस का स्टेटस। इसी तरह आप अपनी जान गए किस तक केस नंबर या पार्टी का, पार्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पार्टी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या जो केस क्या है, जिस पर केस किया वो रजिस्ट्रेशन ईयर, यहाँ पे कौन पेंडिंग चाहिए, कौन चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा।